Good morning, student. This is part 2 of the chapter Types of Economies. In this video, we are going to learn how the economy is divided on the basis of nature of economic activities. मतलब economic activities के accordingly यहाँ पे हमने economy को divide किया है और इन्होंने कहा they are divided into 3 categories. वो 3 categories में divide होती हैं. First हम लोग learn करने जा रहे हैं बेटा उसमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी. उसको और क्या बोला जाता है? मार्केट इकोनॉमी. कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम इन विच प्रॉपर्टी इज प्राइवेटली ओन्ड एंड इकोनॉमिक डिसीजंस आर प्राइवेटली मेड. कैपिटलिज्म क्या है? वो सिस्टम जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप अलाउड है और इकोनॉमिक डिसीजंस वो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं. दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय फर्ग्यूसन. UK, USA, Japan, France, Canada, other countries where capitalistic economy exists. ये कुछ examples हैं जहाँ पर capitalistic economy exists होती है बेटा. Now, main features of capitalistic economy. First one is private property and inheritance. In this economy, private property is allowed. मतलब एक individual person private property own कर सकता है. All means of production like machines, implements, mines and factories etc. come under the private property. It means property owned by an individual after his death is legally passed on to his legal heirs like sons and daughters or some other relatives. इन्होंने क्या कहा? अब जैसे एक private person एक property को own कर सकता है और उसकी death के बाद उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो उसके लीगल हायर्स को ट्रांसफ़र हो जाती है. उसको बोला जाता है इनहेरिटेंस बेटा. ठीक है, चाहे वो उसके बेटे को हो, बेटी को हो या और कोई रिलेटिव को. सेकंड पॉइंट आता है बेटा प्राइस मैकेनिज्म. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज गेन बाय प्राइस मैकेनिज्म. यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म एक बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है. यहाँ पे प्राइजेस जो डिटरमाइन होते हैं बेटा, दैट इज डिटरमाइन बाय द इंट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. मतलब जिस पॉइंट पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व मीट करता है उसी पॉइंट वही पॉइंट प्राइस का डिटरमाइन होता है. यहाँ पे कुछ भी गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है. ठीक है, दैट इज़ व्हाई इट इज से प्राइस मैकेनिज्म प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. थर्ड पॉइंट है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज. इन दिस सिस्टम every individual is independent to his means of production in any occupation that one likes. मतलब जो भी चीज़ वो करना चाहता है, एक individual production कर सकता करना चाहता है वो अपने मर्जी से कर सकता है. ठीक है, one has got every right to start a business of his own choice. वो अपनी choice के accordingly कोई भी business start करेगा. यहाँ पर कोई भी government के interference नहीं है. फोर्थ पॉइंट आता है बेटा सर्विजिनिटी ऑफ द कंज्यूमर. अंडर दिस सिस्टम कंज्यूमर प्लेज द मोस्ट वाइटल रोल. कंज्यूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द इंटायर प्रोडक्शन पैटर्न इज बेस्ड ऑन द डिज़ायर्स विशेज एंड डिमांड ऑफ द कंज्यूमर. यहाँ पे जो भी जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है वो कंज्यूमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करता है, उनकी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंगली. क्योंकि उसको पता है कि अगर कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हम वो चीज़ नहीं बनाएंगे तो हमारा मार्केट में प्रोडक्ट सेल नहीं होगा. तो यहाँ पे कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है अपनी चॉइस के गुड्स को चूज़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वेराइटी ऑफ गुड्स है, क्योंकि कई सारे प्रोड्यूसर्स भी हैं. फिफ्थ पॉइंट आता है बेटा प्रॉफिट मोटिव. द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज़ अ मेन मोटिव ऑफ द प्रोड्यूसर. इनका मेन मोटिव क्या होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में बेटा? प्रॉफिट अर्न करना. प्रॉफिट गाइड्स द प्रोडक्शन इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी. इसका मतलब वो वही चीज़ प्रोड्यूस करते हैं जिसमें उनको प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो. लास्ट पॉइंट एक और है बेटा लेजियस फेयर स्टेट. Under the capitalistic system, government does not interfere in day-to-day economic activities. This means producers and consumers are free to take the decisions. इन्होंने कहा capitalistic economy में government का कोई भी interfere नहीं होता. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. तो उसका एक economical term देखो ये बेटा, ये laissez-faire state.
तो ये शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं वो अलग से, व्हाट इज लेजिएस्ट फेयर स्टेट. यहाँ पे जो भी डिसीजंस होते हैं वो कंज्यूमर्स के नीड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर्स लेते हैं. ठीक है, इन दिस इकोनॉमी नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज देयर. आई होप ऑल दीज फीचर्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्टिक सिस्टम. फर्स्ट पॉइंट आता है बेटा इकोनॉमिक फ्रीडम. द फॉरमोस्ट एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज दैट everybody enjoys economic freedom as one can spend one's income according to one's wishes. Producers have complete freedom to invest in any business or trade. इन्होंने कहा capitalistic economy का foremost merit क्या है, advantage क्या है, कि freedom रहती है. Producers अपनी wish के accordingly अपने हिसाब से अपनी choice करते हैं उनको क्या चीज़ produce करनी है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज टू देयर ऑप्टिमम लेवल एज प्रोडक्शन इज अंडरटेकन विद द सोल पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड नो स्कोप फॉर वेस्टेज एट ऑल. इन्होंने कहा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सारे रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइज होते हैं, मतलब एफिशिएंट यूटिलाइज होते हैं. क्यों? इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो अगर इनके हिसाब से वेस्टेज होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे. देयरफॉर इन दिस इकोनॉमी रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली. थर्ड पॉइंट है बेटा इंसेंटिव फॉर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी देयर इज एम्पल स्कोप ऑफ न्यू इन्वेंशंस. न्यू इन्वेंशन का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है. टू गेट मोर प्रॉफिट एवरी प्रोड्यूसर टेक्स इनिशिएटिव टू डेवलप न्यू टेक्निक्स इन प्रोडक्शन. इन्होंने क्या कहा, ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए हर एक प्रोड्यूसर क्या करता है, न्यू टेक्निक्स को ऑप्ट करता है और रिसर्च और डेवलपमेंट यहाँ पे चलता ही रहता है बिकॉज इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है और वो तभी पॉसिबल होगा जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज़ होंगी, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करने से कॉस्ट कम आती है. नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. Varieties of goods at cheap rates make it easy to be within the reach of the poor and the weaker sections of the society. यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, production भी बहुत ज़्यादा है, standard of living भी high होता है लोगों का, because they are able to get the goods at a very cheap rates. और जिसकी वजह से poor people, weaker section of society के भी लोग क्या कर पाते हैं, उसको ले पाते हैं, परचेज कर पाते हैं. दिस रिजल्ट इन राइज ऑफ देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होता है, बहुत हाई होता है. फिफ्थ पॉइंट है बेटा न्यू कंज्यूमर गुड्स. एवरी प्रोड्यूसर ट्राइज टू अर्न एज मच एज पॉसिबल बाय इंक्रीजिंग हिज आउटपुट ब्रिंगिंग न्यू कॉमोडिटीज इन टू द मार्केट. कॉम्पिटिशन हैज ऑल्सो इंकरेज देम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ओल्ड प्रोडक्ट्स. यहाँ पे कंज्यूमर्स का बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है उनको कि दे आर एबल टू गेट द वैरायटी ऑफ गुड्स. उनको कई सारे गुड्स मिलते हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स, क्योंकि कंपटीशन लेवल है और कंपटीशन लेवल को मीट करने के लिए एवरी प्रोड्यूसर ट्राई टू मेक अ इनोवेशन इन देयर प्रोडक्ट्स. तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट भी देते हैं कंज्यूमर्स को. आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल. Now we are going to learn demerits of capitalistic system. Demerits मतलब उसके drawbacks क्या हैं. First one बेटा class struggle. A major share of income and resources is controlled by the upper sections of the society while others remain deprived of the basic amenities of life. Thus the entire society is divided between haves and have not. इन्होंने क्या कहा, capitalistic economy में बेटा class struggle रहता है. यहाँ पे जो लोग हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ सम पीपल्स दे आर हैविंग टू मच, उनके पास बहुत कुछ होता है पैसा एसेट्स, और देयर आर मेनी पीपल्स हु डिडंट हैव एनी, मतलब दे आर फ्यू पीपल्स के हैंड में ही एसेट्स होते हैं और देयर आर नंबर ऑफ पीपल जिनके हाथ में कुछ भी नहीं होता, कोई एसेट्स नहीं होते हैं.
तो यहाँ पे हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं वो बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज हैव्स एंड हैव नॉट. सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ऑलवेज फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट. दिस मीन्स द स्टेट ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी इज देयर. इन्होंने क्या कहा, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ज़्यादातर इनस्टेबल सिचुएशन पे रहती है, क्योंकि यहाँ पे बेटा कोई भी चीज़ प्लान्ड वे से नहीं होती. कभी कभी ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, कभी अंडर प्रोडक्शन हो जाता है, तो फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं इकोनॉमी में, और जिसकी वजह से वो कई बार लोगों को जॉब से निकाल देते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत हो जाता है बीच बीच में. थर्ड पॉइंट है नो वेलफेयर एक्टिविटीज. इन कैपिटलिज्म द सोल मोटिव इज मैक्सिमम प्रॉफिट बट नॉट द पब्लिक वेलफेयर. मैंने आपको पहले भी बताया कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में मेन मोटिव क्या था, दैट इज़ टू अर्न प्रॉफिट. तो यहाँ पे वेलफेयर के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है. वेराइटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड नॉट फॉर एनी वेलफेयर एक्टिविटी. यहाँ पे कई सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं बट जो उसके लिए पे कर पाए उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, लोगों की नेसेसिटीज़ पूरी हो रही हैं कि नहीं सबकी, यहाँ पे ये नहीं देखा जाता. तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में वेलफेयर एक्टिविटी का कहीं पे नाम नहीं होता. फोर्थ पॉइंट है मोनोपोली प्रैक्टिसेस. दिस इकोनॉमिक सिस्टम हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द फैक्ट दैट इट डेवलप्स द मोनोपोली एक्टिविटीज़ विद इन द कंट्री. मोनोपोलिस्ट फर्म्स आर एक्सप्लॉइटिंग द कंज्यूमर बाई चार्जिंग हायर प्राइजेस. बेटा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में मोनोपोली सिचुएशन राइज हो जाती है, मतलब जिसके पास पैसा होता है वही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से वो क्या, जब बहुत ज़्यादा मार्केट पे कैप्चर कर लेता है तो अपने अकॉर्डिंगली वो प्राइजेस को रखता है, एंड एट दैट टाइम दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर्स. लास्ट पॉइंट है वेस्टर्स ऑफ कैपिटलिस्टिक प्रोडक्शन. इन्होंने क्या कहा, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो होता है उससे रिसोर्सेज बहुत वेस्ट होते हैं, बिकॉज हेयर दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग ओनली दैट टाइप ऑफ गुड्स विच आर नेसेसिटी फॉर द कंज्यूमर. दे आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स टू शो द स्टैंडर्ड्स बिकॉज द पीपल्स आर ऑप्टिंग दैट टाइप ऑफ गुड्स. वी कैन से जैसे लार्ज स्केल एडवर्टाइजमेंट्स ये लोग बहुत करते हैं, तो उस पर क्या हो रहा है, दे आर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी, तो रिसोर्स वेस्ट हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करने से प्रोडक्ट की यूटिलिटी नहीं इंक्रीज हो जाती. एंड दे आर प्रोड्यूसिंग मोर टाइप ऑफ गुड्स विच आर रिलेटेड टू स्टेटस सिंबल, ठीक है, दे आर नॉट बॉदर्ड बट द कंज्यूमर एग्जैक्टली वॉन्ट्स, बट द कंज्यूमर एग्जैक्टली वॉन्ट्स नहीं कह सकते यहाँ पे, सॉरी बेटा, उनकी नेसेसिटीज़ क्या हैं, नीड्स क्या हैं, ये लोग उस पर फोकस नहीं करते, ठीक है. तो कैपिटलिज्म वेस्ट इज़ अ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन सेवरल वेज. वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल एडवर्टाइजमेंट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द बर्डन ऑफ विच फॉल ऑन द कंज्यूमर. मेनी कंज्यूमर गुड्स डिस्कार्ड बाय द कंज्यूमर व्हेन न्यू मॉडल्स आर मैन्युफैक्चर्ड बिकॉज ऑफ स्टेटस सिंबल. आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू स्टूडेंट्स.